What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 3 जून वेनसडे है, सुबह के 8:19 हो रहा है। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। लगातार हम निफ्टी इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 2 जून आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है कल का। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9936 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9767। तो जैसे कि आप देख रहे, फर्स्ट अटेम्प्ट जो इसने किया था तभी इस ब्रेकआउट लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाया। एग्जैक्ट यहाँ पर ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव दिखाया। और जैसे ही फिर से एक बार टूवर्ड से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फिर से एक बार इसने यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट टेस्ट करके फिर से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ और एग्जैक्ट जो हमारा फर्स्ट टारगेट था ये अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने कल का हाई बनाया था, तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। तो ये लेवल को कैसे आइडेंटिफाई किया था कल का, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, ये स्विंग हाई लो को पकड़ के। तो यहाँ पर 50% का ये जो लेवल आ रहा था ये भी एग्जैक्ट 20 EMA के पास आ रहा था। तो काफी मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल थे यहाँ पर। इसका लेवल जो था 9995 जो कि कल का हाई है, तो काफी एक्यूरेट ये लेवल कल साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 32 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और टेल नोट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल भी US मार्केट में तेजी देखने को मिली। दुनिया भर में लॉकडाउन जो है उसमें थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, कुछ कुछ बिजनेसेस शुरू हो चुके हैं, फैक्ट्री शुरू हो गई है, तो इसका असर ग्लोबल मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये जो अनलॉक फिर से शुरू हो चुका है, फिर से बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं, इसके बाद अगर ये पैंडेमिक और अगर ये बढ़ता है तो फिर से एक बार लॉकडाउन की परिस्थिति आ सकती है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो बी केयरफुल होना चाहिए। अगर एक सेकेंड वेव आ जाता है जैसे चाइना में आया था, फिर से एक बार शटडाउन करना पड़ा उधर, तो अगर यहाँ पर भी ऐसा दुनिया भर में आया, अगर कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर से फिर से एक बार थोड़ा सा कमजोरी हमें ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो सभी हरे निशान में कल ट्रेड कर रहे थे। एशियाई बाजार आज देखें तो SGX निफ्टी फिर से एक बार 90 पॉइंट्स की बढ़त इस समय दिखा रहा है, और लगभग एशियाई बाजार सभी हरे निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो 74 पॉइंट के इस समय बढ़त दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से इस समय पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, लेकिन कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, ये आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। तो वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में जैसे कि ये इन लेवल्स को ड्रॉ किया फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को, तो अभी जैसे ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख रहे हैं तो हो सकते हैं आज भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो ऊपर 10,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। अगर डेली चार्ट में देखें तो ये जो 100 EMA है, 100 EMA के नीचे ऑलमोस्ट 24 February 2020 के बाद ये फर्स्ट टाइम 100 EMA को क्रॉस करने के लगभग इस पोजीशन में है। तो अगर गैप अप ओपन होता है और ये जो 100 EMA है जो कि अराउंड 10,037 के पास है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है। और अगर ये कंटिन्यू होता है तो तभी हमारा फर्स्ट यहाँ पर हर्डल हो सकता है 61.8% का लेवल जो कि 10,276 के पास है। लगातार निफ्टी इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5 लगातार 5 दिन यहाँ से जबरदस्त अपसाइड मूव दिखाया, तो एक करेक्शन आना भी लाजमी होता है। तो 10,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो यहाँ से हमें और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी 10,037 का एक हर्डल होगा, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, सस्टेन करता है काफ़ी देर, तो यहाँ से और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो इस समय हमें देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं डेली चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जो R1 का लेवल है
ये अराउंड 10,041 के पास है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट तभी होगा 10,066। ये एक छोटा हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,104, जो कि पिवट पॉइंट का R2 का लेवल है। आपको अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर सस्टेन करता है इन लेवल्स के ऊपर तो ही यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि ये रेजिस्टेंस लेवल्स है, गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर हर्डल फेस करके निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है। कल वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, तो अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो जो कल हमारा ब्रेकआउट लेवल था ये आज हमारा हो सकता है ब्रेकडाउन लेवल, यानी ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है ऑलमोस्ट 9,932 के पास, ये हमारा हो सकता है ब्रेकडाउन लेवल। आप देख सकते हैं इसी के पास इसने पास्ट में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस किया था, और कल ऊपर जाते वक्त भी इसी लेवल के पास फर्स्ट आर में इसने रेजिस्टेंस फेस करके फिर से एक बार स्विंग लो बना के ऊपर आया था। तो ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये हो सकता है आज सपोर्ट का काम करे, तो इसको अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,902। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 9,870 के पास है, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो हैप्पी ट्रेडिंग, एंड ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।